उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। तलपट का अर्थ बता सकने में, तलपट तैयार करने के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कर सकने में, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को बताने, पता लगाने और संशोधन कर सकने में, अशुद्धियां पता लगाने की विभिन्न प्रक्रियाएं बता सकने में, तलपट के मिलान को प्रभावित न करने वाली अशुद्धियों अथवा तलपट के मिलान को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों को पहचानने में। तलपट का अर्थ। तलपट बही खाता, कार्यपत्रक या अनौपचारिक लेखांकन विवरण है जो किसी समय बिंदु पर खाता बही शेष सूचीबद्ध करता है और जमा शेष के कुल योग के साथ नाम शेष के कुल योग की तुलना करता है। दूसरे शब्दों में, ये वो लेखांकन रिपोर्ट या विवरण है जिसमें खाता बही के सभी शेष नाम और जमा स्तंभों में संकलित किए जाते हैं। तलपट में खाता बही शेष को नाम और जमा शेष के रूप में अलग किया जाता है। तलपट के नाम पक्ष पर परिसंपत्ति और व्यय खाता दिखाई देता है, जबकि देयताएं पूंजी और आय खाता जमा पक्ष पर दिखाई देते हैं। तलपट में दिखाई देने वाले सभी नाम शेषों का कुल योग सभी जमा शेष के कुल योग के बराबर होना चाहिए, बशर्ते कि सभी लेखांकन प्रविष्टियों को सही तरीके से दर्ज किया गया हो और सभी खाता बही शेष को तलपट में सटीक रूप से निकाला गया हो। तलपट की तैयारी। कंपनी द्वारा तलपट आवधिक आधार पर तैयार किया जाता है। ये आमतौर पर वित्तीय या लेखांकन वर्ष के अंत में बनाया जाता है। हालांकि कंपनी किसी भी दी गई अवधि के अंत में तलपट तैयार करने का विकल्प चुन सकती है। इसे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से बनाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं, तलपट लेखांकन अवधि के अंत में चलने वाली एक आंतरिक रिपोर्ट है जो प्रत्येक खाते में अंतिम शेष राशि सूचीबद्ध करता है। तलपट का प्रारूप। तलपट की आसान रूपरेखा होती है। इसके सामान्य प्रारूप में चार स्तंभ होते हैं। इन स्तंभों को नीचे दिया गया है। एक, खाते का शीर्षक। दो, खाता बही पृष्ठ। तीन, नाम शेष। चार, जमा शेष। तलपट में प्रत्येक पंक्ति मद में खाते में अंतिम शेष होता है। अंतिम शेष वाले सभी खाते तलपट में सूचीबद्ध होते हैं। तलपट तैयार करने के उद्देश्य। तलपट शब्द को परिभाषित करना। तलपट को खाता बही के नाम और जमा शेष के विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेखा बही की अंकगणितीय शुद्धता सिद्ध करने के लिए इसे तैयार किया जाता है। तलपट को किसी विशेष तिथि को खाता बही के अंतिम शेष की सूची के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ये वित्तीय विवरण की तैयारी की दिशा में पहला कदम है। आमतौर पर लेखांकन अवधि के अंत में इसे तैयार किया जाता है और ये वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया में सहायता करता है। खाता बही शेष को नाम और जमा शेष में
पृथक किया जाता है। तलपट तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य। संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना। ये सभी खाता बहियों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। ये किसी किसी विशेष तिथि से संबंधित सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, पूंजी, आय और व्यय का शेष भी प्रस्तुत करता है। तुलना करने और निर्णय लेने में सहायता करना। ये दो अलग अलग अवधियों के बीच परिसंपत्तियों, देयताओं, पूंजी, आय और व्यय के शेष की तुलना करने में सहायता करता है। इसलिए इस जानकारी का उपयोग महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। अंक गणितीय शुद्धता की जांच करना। ये लेखा बही की अंक गणितीय शुद्धता की जांच करता है। यदि तलपट समान होता है तो ये अंक गणितीय शुद्धता सिद्ध करता है। अशुद्धियों को पता लगाने और संशोधित करने में सहायता करना। इसका ना मिलना खाता बही में लेखांकन अशुद्धियां होने का संकेत है, जो लेखाकार को समय पर इन्हें ढूंढने और संशोधित करने के लिए मजबूर करता है। अशुद्धियां और धोखाधड़ी कम करने में सहायता करना। ये विभिन्न प्रकार की लेखांकन अशुद्धियां और धोखाधड़ी कम करने में सहायता करता है। यदि कोई भी अशुद्धि और धोखाधड़ी होती है तो तलपट मिलता नहीं है। इसलिए ये लेखांकन कर्मियों पर सावधानी और ईमानदारी से लेखा बही रखने का नैतिक दबाव डालता है। तलपट तैयार करने की विधियां। तलपट का महत्व। निम्नलिखित कारणों से तलपट महत्वपूर्ण होता है। तलपट व्यवसाय के सभी वित्तीय लेनदेनों का सारांश देता है। ये व्यवसाय के सभी वित्तीय लेनदेनों के अभिलेखन की अंक गणितीय शुद्धता पर नियंत्रण प्रदान करता है। ये की गई त्रुटियां, यदि कोई है, पता लगाने के लिए प्रारंभिक बिंदु प्रदान अशुद्धियों को पता लगाने में भी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त ये अंतिम खातों की तैयारी का आधार प्रदान करता है। तलपट तैयार करने की विधियां। तलपट तैयार करने की तीन मुख्य विधियां हैं, शेष विधि, योग विधि और योग सह शेष विधि। तलपट तैयार करने की विधियों की व्याख्या। शेष विधि। इस विधि में प्रत्येक खाते के शेष तलपट में दिखाए जाते हैं। नाम शेष नाम स्तंभ में दिखाया जाता है और जमा शेष जमा स्तंभ में दिखाया जाता है। ये तलपट तैयार करने की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। योग विधि। इस विधि में नाम खंड का कुल योग नाम स्तंभ में लिखा जाता है और जमा खंड का जमा स्तंभ में लिखा जाता है। कुल मिलाकर जमा और नाम राशि दोनों पक्षों पर समान होनी चाहिए और यदि दर्ज की गई राशियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं तो ये अशुद्धियों की उपस्थिति को दर्शाता है। ये आवश्यक है कि ऐसी सभी गलतियों की पहचान की जाए और फिर सही किया जाए। योग सह शेष विधि। ये विधि शेष और योग दोनों विधियों का संयोजन है। राशि स्तंभ को योग और शेष विधियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक विधि में नाम और जमा के आगे दो स्तंभ होते हैं। प्रत्येक विधि के अंतर्गत नाम और जमा का योग बराबर होना चाहिए।
तलपट तैयार करने के कदम। संक्षिप्त विवरण। तलपट वो विवरण होता है जो सभी खाता बही खातों के शेष की सूची दिखाता है। इसे बनाया जाता है गणितीय अशुद्धियों की जांच करने के लिए, अंतिम खाता बनाने के लिए और कंपनी का बजट बनाए रखने के लिए। विभिन्न व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र के खातों की तैयारी के बाद तलपट तैयार किया जाता है। इसे खाता बही से निकाली गई परिसंपत्तियों, पूंजियों, देयताओं, व्ययों, आय आदि का सारांश भी कहा जाता है। तलपट बनाने के उद्देश्य। तलपट बनाने का मुख्य कारण ये सुनिश्चित करना है कि सभी नाम शेष का योग सभी जमा शेष के योग के बराबर है। इसलिए तलपट सामान्य खाता बही की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने और साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए तलपट बनाया जाता है कि खाता बही में सभी खतौनियों में दोहरी प्रविष्टि बही खाता के नियमों का पालन किया गया है। तलपट बनाने में शामिल कदम। चरण एक, तलपट का शीर्षक लिखें। चरण दो, प्रत्येक खाता बही खाते के शेष की गणना करें। प्रत्येक महीने के अंत में खाता बही में प्रत्येक खाते के शेष की गणना की जानी चाहिए। चरण तीन, खाता बही में प्रत्येक खाता सूचीबद्ध करें और शेष नाम या जमा स्तंभ में जैसे उचित हो रखें। तलपट में प्रत्येक खाता बही खाता पहले सूचीबद्ध किया जाता है, फिर महीने के अंत में प्रत्येक खाते का शेष उचित स्तंभ में लिखा जाता है। चरण चार, नाम और जमा स्तंभों का योग करें। स्तंभों का योग बराबर होना चाहिए। नाम और जमा दोनों स्तंभों को योग किया जाना चाहिए। फिर इसका सत्यापन किया जाना चाहिए कि नाम शेष का योग जमा शेष के योग के बराबर है। तलपट के मिलान का महत्व। तलपट और इसकी विशेषताएं। तलपट खाता बही से ली गई नाम और जमा शेष की सूची है। इसकी विशेषताओं में शामिल हैं एक, राजनामचा से खाता बही में प्रविष्टियों की खतौनी की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए इसे तैयार किया जाता है। दो, ये बही खाता की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का हिस्सा नहीं है बल्कि केवल खतौनी की शुद्धता की जांच के लिए है। तीन, इसे एक विशिष्ट तारीख पर तैयार किया जाता है। चार, ये सभी खातों के शेष या खाता बही के योग का विवरण है। पांच, तलपट के नाम और जमा स्तंभ का योग मिलना चाहिए। छः, यदि नाम और जमा स्तंभ बराबर हैं तो ये माना जाता है कि खाते अंकगणितीय रूप से शुद्ध हैं। सात, नाम और जमा स्तंभ में अंतर इंगित करता है कि कुछ गलतियां की गई हैं। तलपट के मिलान का क्या महत्व है? ये लेखाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि तलपट का मिलान होना चाहिए। तलपट खाता बही खतौनी की शुद्धता और खातों के संतुलन की जांच करने के लिए बनाया गया विवरण है। यदि नाम शेष का योग जमा शेष के बराबर है तो इसका तात्पर्य है कि खतौनी और संतुलन सही है। मिलान वाले तलपट का अर्थ है कि नाम और जमा शेष का योग बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि प्रविष्टियां सही ढंग से खतौनी की गई हैं। हालांकि तलपट का मिलान खातों की शुद्धता का पूर्ण प्रमाण नहीं है,
ये गारंटी नहीं देता है कि प्रविष्टि स्वयं में सही है। ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं जिससे नाम और जमा की समानता प्रभावित हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अशुद्धियों का वर्गीकरण। तलपट शब्द को समझना। तलपट प्रत्येक खाते में नाम या जमा के योग की सूचीबद्धता का सारांश स्तर है। दूसरे शब्दों में ये नाम और जमा शेष के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक खाता बही में बचे शेष का विवरण है। तलपट और अंकगणितीय शुद्धता। बही खाता की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार नाम पक्ष का कुल योग जमा पक्ष के कुल योग के बराबर होना चाहिए। तलपट में यदि दोनों नाम और जमा पक्ष समान हैं, तो ये इंगित करता है कि खतौनी किए गए खाता बही के शेष अंक गणितीय रूप से शुद्ध हैं। अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियों को वर्गीकृत किया जाता है क लोप अशुद्धियां, ख लेख अशुद्धियां, ग सैद्धांतिक अशुद्धियां, घ क्षतिपूरक अशुद्धियां। एक लोप अशुद्धियां। ये अशुद्धि लेन देन का अभिलेखन करने के समय हो सकती है। इस प्रकार की अशुद्धि तब होती है जब लेखांकन की पुस्तकों में व्यवसाय का लेन देन पूरी तरह से या आंशिक रूप से अभिलेखित होने से रह जाता है। दो लेख अशुद्धियां। इस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं सहायक पुस्तकों की गलत कास्टिंग के कारण, लेन देनों के गलत अभिलेखन के कारण, खाते के गलत कुल योग या शेष के कारण, गलत खतौनी के कारण और गलत अग्रेषण के कारण। ये अशुद्धियां तलपट में बाधा नहीं डाल सकती हैं। तीन सैद्धांतिक अशुद्धियां। ये अशुद्धियां आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के उल्लंघन के कारण होती हैं, जैसे पूंजीगत और आयगत मदों के बीच गलत आवंटन। चार क्षतिपूरक अशुद्धियां। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस तरह से की जाती हैं कि एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि के प्रभाव से क्षतिपूरित हो जाता है, इस प्रकार की अशुद्धि को क्षतिपूरक अशुद्धि कहा जाता है। इस प्रकार की अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधा नहीं डालती है। अशुद्धियों को ज्ञात करना। अशुद्धियों के प्रकार। चार प्रकार की अशुद्धियां नीचे सूचीबद्ध की गई हैं। लोप अशुद्धियां, लेख अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां। अशुद्धियों को खोजना या ढूंढना। यदि तलपट मिलता नहीं है तो ये इंगित करता है कि खाता बहियों में कुछ अशुद्धियां मौजूद हैं। जांच आम तौर पर स्वयं तलपट से शुरू होती है। अशुद्धियां ढूंढने या खोजने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। एक तलपट के नाम और जमा स्तंभ का पुनः योग किया जाता है। दो जांच की जाती है कि रोकड़ शेष और बैंक शेष तलपट में ठीक से और सही तरीके से सूचीबद्ध हैं। तीन सत्यापन किया जाता है कि पिछले लेखांकन वर्ष से चालू लेखांकन वर्ष में प्रारंभिक शेष सही ढंग से आगे लाया गया है। चार तलपट में सूचीबद्ध सभी राशियों की दोबारा जांच की जाती है और पुष्टि की जाती है कि सभी खाता बही शेष की नकल की गई है।
5. विविध देनदारों और विविध लेनदारों की सूचियों में योग की पुष्टि की जाती है। 6. सभी सहायक पुस्तकों के कास्टिंग और अग्रेषण का सत्यापन किया जाता है। 7. खाता शेष की फिर से गणना की जाती है। 8. सहायक पुस्तकों से अलग अलग मदों की खतौनी की पुष्टि की जाती है। 9. मूल प्रविष्टि की पुस्तकों से खातों में खतौनी की शुद्धता की दोबारा जांच की जाती है। 10. उपर्युक्त सभी चरणों के बाद यदि अशुद्धियां अभी भी नहीं ढूंढी जा सकती हैं, तो अंतर को उचंती खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अशुद्धि मिलने के बाद इस उचंती खाते को बंद किया जाता है। उचंती खाते का अर्थ और उपयोगिता। उचंती खाता परिभाषित करना। उचंती खाता वो खाता होता है जिसमें लेखाकार अवर्गीकृत लेनदेन का अभिलेखन करता है। ये खाता अस्थायी रूप से प्रविष्टियां रखता है जिस दौरान लेखाकार निर्णय करता है कि प्रविष्टियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। ये अधिक आंकड़े एकत्रित होने तक विसंगतियों के बारे में भी जानकारी रख सकता है। किस प्रकार का खाता उचंती खाता होता है? ये एक प्रकार का होल्डिंग खाता है जो सामान्य खाता बही में पाया जाता है। प्रश्नाधीन लेनदेन के आधार पर उचंती खाता परिसंपत्ति या देयता हो सकता है। यदि कोई परिसंपत्ति प्रश्नाधीन है तो उचंती खाता वर्तमान परिसंपत्ति होता है क्योंकि ये खातों से संबंधित भुगतान प्राप्त रखता है। यदि खातों के देय रखता है तो ये देयता भी हो सकता है। उचंती खाता और तलपट। तलपट किसी खाते का अंतिम शेष होता है जिसकी लेखांकन अवधि के अंत में गणना की जाती है। जब नाम और जमा मेल नहीं खाते हैं तो सुधार किए जाने तक अंतर उचंती खाते में रखा जाता है। यदि तलपट में जमा शेष नाम शेष से अधिक है तो अंतर को नाम के रूप में दर्ज किया जाता है। यदि नाम शेष जमा शेष से बड़ा है तो अंतर को जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। उचंती खाते को तलपट तुलन पत्र अन्य परिसंपत्ति के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है। संशोधन के बाद ये खाता बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार ये तलपट का हिस्सा नहीं बना रहता है। उचंती खाते की उपयोगिता। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आंशिक भुगतान प्राप्त होता है, भुगतान प्राप्त होता है लेकिन भुगतान करने वाले ग्राहक ज्ञात नहीं होता है, स्थायी परिसंपत्ति क्रय की गई है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ये सुनिश्चित नहीं होता है कि लेनदेन को कैसे वर्गीकृत करना है। उचंती खाते का निपटान। उचंती खाता सामान्य खाता बही का खाता होता है। ये वर्तमान अशुद्धि या अज्ञात लेनदेन की पहचान होने तक होल्डिंग खाते के रूप में कार्य करता है। काम के दौरान आप सभी विसंगतियां रखने के लिए उचंती खाता खोल सकते हैं जब तक आप उन्हें पा नहीं जाते हैं। हालांकि उचंती खाता एक अस्थायी खाता है जिसे लेखांकन चक्र के अंत तक बंद कर दिया जाना चाहिए। तलपट और उचंती खाता। जब तलपट में
नाम और जमा शेष कर मिलान नहीं होता है या कुछ प्रविष्टियां स्पष्ट नहीं होती हैं तो दोनों पक्षों को अस्थायी रूप से संतुलित करने के लिए उचंती खाता बनाया जाता है। उचंती खाते का निपटान कैसे किया जाता है? तलपट का मिलान करने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में उचंती खाते का, जो काल्पनिक खाता होता है, उपयोग किया जाता है। बाद में जब उचंती खाते को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां खोज ली जाती हैं तो उचंती खाते की सहायता से शोधन प्रविष्टियां की जाती हैं। शोधन प्रविष्टियां उचंती खाते की सहायता से शोधन प्रविष्टियां करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। ये हैं: एक, उचंती खाते का उपयोग केवल उन अशुद्धियों के शोधन के लिए किया जाता है जो तलपट पर प्रभाव डालते हैं। दो, यदि शोधित किया जाने वाला खाता शोधनकारी प्रविष्टि के नाम किया जाता है तो उचंती खाता जमा किया जाता है। ऐसा दोहरी प्रविष्टि को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीन, यदि शोधित किया जाने वाला खाता शोधनकारी प्रविष्टि में जमा किया जाता है तो उचंती खाता नाम किया जाता है। ये भी दोहरी प्रविष्टि को पूरा करने के लिए किया जाता है। अशुद्धियों का शोधन। अशुद्धियों का शोधन अशुद्धियों में सुधार करने की प्रक्रिया है जो कंपनी की खाता बहियों में किए गए होते हैं। लेखांकन सिद्धांतों की अज्ञानता या अपूर्ण जानकारी के कारण ये अशुद्धियां हो सकती हैं। कभी कभी कर्मचारियों या लेखाकार द्वारा धोखाधड़ी के कारण भी अशुद्धियां की जाती हैं। लेखांकन अशुद्धियों के शोधन के प्रकार। अशुद्धियों के शोधन के प्रकार नीचे दिए गए हैं। एक, द्विपक्षीय अशुद्धियां। इससे तलपट प्रभावित नहीं होता है। दो, एक पक्षीय अशुद्धियां। इससे तलपट प्रभावित होता है। अशुद्धियों का शोधन जो तलपट को प्रभावित नहीं करते हैं, द्विपक्षीय अशुद्धियां। इस प्रकार की अशुद्धियां एक साथ दो खातों को प्रभावित करती हैं। ऐसी अशुद्धियों के उदाहरण हैं: प्रविष्टि करने में लोप, लेनदेन का गलत अभिलेखन, गलत खाते में खतौनी, सैद्धांतिक अशुद्धियां। इन अशुद्धियों को रोज नामचा प्रविष्टि करके, अर्थात एक खाते का नाम और दूसरे का जमा शोधित किया जाता है। इस शोधन प्रक्रिया में शामिल है सही नाम या जमा का प्रभाव बहाल करना, गलत नाम या जमा का प्रभाव उसे उलटकर रद्द करना। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों का शोधन, एक पक्षीय अशुद्धियां। ये अशुद्धियां केवल एक खाते को प्रभावित करती हैं। इन अशुद्धियों के उदाहरण हैं सहायक बहियां अंडरकास्ट, कम योग या ओवरकास्ट अधिक योग होती हैं। किसी खाते में खतौनी पूरी तरह से छोड़ दी जाती है। खतौनी खाते के गलत पक्ष पर की जाती है। गलत राशि की खतौनी की जाती है। इस बिंदु पर शोधन के लिए संशोधन प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय अशुद्धि से प्रभावित खाते के नाम या जमा पक्ष पर राशि लिखकर खाते में केवल समायोजित करने की आवश्यकता होती है। अगले लेखांकन वर्ष में अशुद्धियों का शोधन। अशुद्धियों का शोधन जिनका वर्तमान लेखांकन वर्ष में पता नहीं लगाया जा सकता है। यदि लेखाकार किसी दिए गए लेखांकन वर्ष में
अशुद्धियों का पता नहीं लगा पाता है तो वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले अशुद्धियों का शोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उचंती खाता बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए उचंती खाते का शेष अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाया जाता है। इस स्थिति में अगले लेखांकन वर्ष के आय विवरण पर प्रभाव से बचने के लिए व्यय, हानि और आय लाभ के खातों के बदले में लाभ व हानि समायोजन खाता नाम या जमा किया जाता है। अशुद्धियों के शोधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। यदि अशुद्धि खतौनी चरण में है तो मान लें कि वो अभिलेखन सही ढंग से सहायक बहियों में किया गया है। यदि अशुद्धि मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में है तो मान लें कि सभी खतौनियां तदनुसार की गई हैं। यदि गलत पक्ष पर गलत खाते में अशुद्धि खतौनी की गई है, अर्थात खतौनी की राशि का उल्लेख किए बिना, ये माना जाना चाहिए कि लेनदेन के मूल अभिलेखन के अनुसार राशि से खतौनी की गई है। यदि सही खाते में खतौनी की गई है लेकिन राशि गलत है, खतौनी के पक्ष का उल्लेख किए बिना, तो मान लें कि सही पक्ष पर खतौनी की गई है। गलत खाते में खतौनी करने में अशुद्धि होने पर खतौनी के पक्ष और राशि का उल्लेख किए बिना ये माना जाना चाहिए कि खतौनी सही राशि के दाएं पक्ष पर की गई है। यदि गलत राशि के साथ गलत खाते में खतौनी करने की अशुद्धि है, खतौनी के पक्ष का उल्लेख किए बिना, तो मान लें कि खतौनी सही पक्ष पर की गई है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तलपट को खाता बही के नाम और जमा शेष के विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तलपट तैयार करने के मुख्य उद्देश्य हैं: संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना, तुलना करने और निर्णय लेने में सहायता करना, अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियां पता लगाने और संशोधित करने में सहायता करना, अशुद्धियां और धोखाधड़ी कम करने में सहायता करना। तलपट तैयार करने की तीन मुख्य विधियां हैं: शेष विधि, योग विधि, योग सह शेष विधि। तलपट बनाने का मुख्य कारण ये सुनिश्चित करना है कि सभी नाम शेष का योग सभी जमा शेष के योग के बराबर हो। तलपट में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हैं: लोप अशुद्धियां, लेख अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां। उचंती खाता वो खाता होता है जिसमें लेखाकार अवर्गीकृत लेनदेनों का अभिलेखन करता है। अशुद्धियों का शोधन अशुद्धियों में सुधार करने की प्रक्रिया है जो कंपनी के खाता बहियों में हुई थी। अशुद्धियों के शोधन के प्रकार हैं: द्विपक्षीय अशुद्धियां, इससे तलपट प्रभावित नहीं होता है; एक पक्षीय अशुद्धियां, इससे तलपट प्रभावित होता है।